जीएसटीआर पोर्टल पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके सप्लायर ने आपको जो इनवॉइस दिया है वो जीएसटीआर 1 में तो अपलोड कर रहा है, लेकिन जीएसटीआर 3 भी में अपलोड नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप लॉगिन कर लीजिए अपने जीएसटीआर पोर्टल को। लॉगिन करने के बाद आप सर्च टैक्सपेयर में चले जाइए। सर्च टैक्सपेयर में जाने के बाद आप यहाँ पर आप अपने सप्लायर का जीएसटी नंबर एंटर कर दिए। फिर नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ नीचे आपको लायबिलिटी पेड परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दिया जाएगा कि आपके किस सप्लायर ने किस महीने में जीएसटीआर 1 की लायबिलिटी का कितना परसेंटेज जीएसटीआर 3 बी से लिया। जीएसटीआर 1 की जो लायबिलिटी है और जीएसटीआर 3 बी की लायबिलिटी है, दोनों का कितना परसेंटेज जमा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जीएसटीआर 1 का 100%, जीएसटीआर 3 बी का 100% पेड हुआ है। इस तरीके से आप एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किस पार्टी ने इनवॉइस आपके 3 बी में पेमेंट के रूप में नहीं गया है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तब स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा। उसके बाद जाना है सर्विस टैब में, यूजर सर्विस, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्सपेयर। सारी चीज़ें पोर्टल पर ही है, बस आपको इस्तेमाल करना है कि किस डाटा को यूज करके सप्लायर तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्सपेयर में आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने सप्लायर को मैसेज भेज सकते हैं। सप्लायर को सिलेक्ट कर लिए, उसके जीएसटी नंबर लिखिए, आपको जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद एक्शन या रिक्वेस्ट है, आपको मैच करना है और चेक करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन आप उसको देने वाले हैं। इसके बाद अदर्स करके आप नीचे रिमार्क लिख सकते हैं कि इसका डाटा जीएसटीआर 1 में आया है लेकिन 3 बी में पेमेंट नहीं हुआ है। आप इस फैसिलिटी का यूज़ करके आप अपने सप्लायर को ये इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। जैसे आप सप्लायर को मैसेज भेजेंगे उसके पास ईमेल चला जाएगा या मैसेज चला जाएगा और वह इमीडिएट एक्शन ले सकता है। ये सारी चीज़ें आप अप्रैल महीने में जीएसटी पोर्टल को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आई के एसोसिएट को सब्सक्राइब करें।